नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। यह है MP का खास बुलेटिन। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ, तो इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज के दिन भर के मध्य प्रदेश के सबसे बड़े अपडेट के साथ। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज चौथा दिन रहा। इस दौरान राज्यपाल के अभिभाषण पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जवाब दिया। सीएम ने सदन में सरकार की उपलब्धियां गिनाई। सीएम ने कहा कि अयोध्या में रामलला विराजमान हुए हैं और अयोध्या का उज्जैन से एक पुराना संबंध है, और इसी तरह कई मुद्दों पर सीएम ने प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ सीएम ने कहा है, आप भी सुने। पुनर्स्थापित कराया था, सौभाग्य की बात है, गर्भ गर्भ में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं और उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। हम सबके लिए वो सौभाग्य का क्षण है। इस अवसर पर एक और बड़ा घटनाक्रम हम सबके सामने हुआ है कि पांच विधानसभा में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अनेक मुद्दों पर प्रतिक्रिया दी। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद उस पर जवाब दिया, सरकार की उपलब्धियां बताई और यह भी कहा कि अयोध्या का उज्जैन से एक पुराना संबंध है, पुराना ताल्लुक है, और अनेक विषयों पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रतिक्रियाएं दी हैं। काल के प्रवाह में परमात्मा ने हमारी कई परीक्षाएं ली है और मध्य प्रदेश का तो खास रिश्ता है अयोध्या से मध्य प्रदेश का उज्जैन का। लगभग 2000 साल पहले हमारे सम्राट विक्रमादित्य ने उज्जैन से जाकर के अयोध्या को पुनर्स्थापित कराया था। सौभाग्य की बात है, गर्भ गर्भ में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं और उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। हम सबके लिए वो सौभाग्य का क्षण है। इस अवसर पर एक और बड़ा घटनाक्रम हम सबके सामने हुआ है के पांच भारत रत्न दिए गए। ये यशस्वी प्रधानमंत्री है जो ढूंढ ढूंढ करके योग्य लोगों को भारत रत्न दे रहे हैं। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये इतनी उदार मना भाव से, वास्तव में भारत रत्न होता ही इसीलिए है, क्या इस दल का क्या उस दल का, जिस जिसने भी योगदान दिया, सबको साथ सबका विकास जो बात कही गई है वो सार्थक करके दिखाने वाली बात। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने मोहन सरकार का लेखानुदान पेश किया। 2024-25 के आय व्यय लेखानुदान पर कल विधानसभा में चर्चा होगी। चर्चा के लिए 4 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। तो बजट सत्र का चौथा दिन वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने लेखानुदान पेश किया सदन में और 2024-25 के आय व्यय लेखानुदान को सभी के सामने पेश किया। तो एक तरफ बजट सेशन और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में नेताओं के दल बदल का सिलसिला, यह लगातार जारी है। कांग्रेस के एक के बाद एक कई बड़े नेता अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और इसी कड़ी में आज भोपाल के बीजेपी मुख्यालय में कांग्रेस के 3 नेताओं ने अपने समर्थकों के साथ बीजेपी की सदस्यता ले ली। टीकमगढ़ से कांग्रेस के पूर्व विधायक दिनेश अहिरवार, विदिशा के जिला अध्यक्ष राकेश कटारे और खजुराहो से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैलाश द्विवेदी, आज उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। किसकी मौजूदगी में, वीडी शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने उन्हें बीजेपी में शामिल कराया। इसके अलावा पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, विधायक भूपेंद्र सिंह, ये सब दिग्गज नेता बीजेपी के मौजूद थे और कांग्रेस के जो नेता थे ये अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वीडी शर्मा कह रहे हैं कि कांग्रेस आपसी खींचतान का शिकार उनमें मचा हुआ है। कई कांग्रेसी बीजेपी में शामिल होना चाह रहे हैं, हो रहे हैं। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी ने वो 10 साल में वो करके दिखाया है जो आज तक किसी पार्टी ने नहीं किया है। इसलिए मैं उनकी रीति नीति से प्रभावित होकर के आज मैंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। प्रधानमंत्री जी ने कल कहा था कि कांग्रेस में भगदड़ मची है, तो ये कांग्रेस की भगदड़ आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर लोगों को लगता है कि हमें कुछ काम करना है। अगर राजनीतिक क्षेत्र में काम करना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में करना है। तो एक तरफ मध्य प्रदेश में दल बदल की सियासत जारी है, तो इधर लोकसभा चुनाव की तैयारी में कांग्रेस और बीजेपी दोनों दल जुटे हुए हैं और दोनों ही दल एक दूसरे के नेताओं को पार्टी में आने का न्योता दे रहे हैं। दरअसल हुआ यह था कि कुछ दिन पहले पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कमलनाथ को जय श्री राम के नारे के साथ बीजेपी में आने का स्वागत किया था, ये उनका बयान भी वायरल हुआ था। और वहीं अब कांग्रेस ने सुमित्रा महाजन को एक पत्र लिखा है जिसमें लिखा है कि सुमित्रा महाजन जी, आप बीजेपी उन्हें टिकट दे नहीं रही है, इसीलिए वो संविधान को बचाने के लिए
कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करें, इंदौर से लोकसभा का चुनाव लड़ें। तो बीजेपी को बताएं कि कैसे अपने वरिष्ठों का सम्मान किया जाता है। वहीं कांग्रेस के पत्र पर अब बीजेपी ने सवाल उठाया है, कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं और उनके कुछ नेता सिर्फ चर्चाओं में बने रहने के लिए इस तरह की हरकत करें। यानी एक तरफ सुमित्रा महाजन ने कमलनाथ को न्योता दिया कि वो बीजेपी में शामिल हो जाएं जय श्री राम के नारे के साथ, तो अब जवाबी जो पलटवार था वो कांग्रेस ने किया है और एक पत्र के जरिए सुमित्रा महाजन को ही न्योता दे दिया है, क्योंकि आपको तो टिकट मिलेगा नहीं ये कहना है कांग्रेस का, इसलिए आप कांग्रेस में आइए, इंदौर से चुनाव लड़ें, संविधान की रक्षा करें। सियासी वार पलटवार का सिलसिला मध्य प्रदेश में जारी है। तो इधर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और पीसीसी जीतू पटवारी, इन्होंने एक अलग मांग रखी है। ये कह रहे हैं कि सोनिया गांधी को मध्य प्रदेश से राज्यसभा भेजा जाए, यह आग्रह दोनों नेताओं ने किया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा है कि हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश से सोनिया गांधी राज्यसभा चुनकर जाएं। कमलनाथ ने राज्यसभा जाने से इनकार कर दिया है, पूर्व सीएम कमलनाथ राज्यसभा नहीं जाना चाहते। और इसी बीच पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आग्रह किया, अपील की है कि सोनिया गांधी जो वरिष्ठतम नेत्री हैं कांग्रेस पार्टी की, वो मध्य प्रदेश से राज्यसभा चुनकर पहुंचे। तो अलग अलग मांगों के बीच मध्य प्रदेश में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने वॉर रूम यानी चुनावी कार्यालय की शुरुआत कर दी है। और इसी कड़ी में सीएम डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बीजेपी मुख्यालय भोपाल में लोकसभा चुनाव प्रबंधन कार्यालय का उद्घाटन किया है। इस दौरान सभी वरिष्ठ नेता बीजेपी के वहां पर मौजूद रहे। बीजेपी लोकसभा चुनाव की गतिविधियां यहीं से संचालित करेंगी। और वीडी शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि जबलपुर, सीहोर, अशोकनगर, खंडवा में जिला पंचायत में उपचुनाव में बीजेपी ने ये सभी जिले जीते हैं। वीडी शर्मा ने इस जीत को लोकसभा चुनाव के लिए शुभ संकेत माना है। वीडी शर्मा ने यह भी कहा है कि पीएम के दिए 370 के लक्ष्य को बीजेपी कड़ी मेहनत से हासिल करेगी। उन्होंने हर बूथ पर वोट ज्यादा लेने का लक्ष्य रखा है। चारों ही हमारे जिला पंचायत के चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। मेरी अपनी ओर से सभी विजयी जिला पंचायत के अध्यक्षगणों को बधाई। और जड़ी बूटी में माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल अब की बार 370 पार, तो 370 पार का संकल्प है। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जड़ी बूटी दी है कि हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाना, इस बार भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर 29 की 29 सीटें और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल 370 पार जाएगा। इस बार छिंदवाड़ा के अंदर भी परचम फहरेगा, ऐसे 29वां कमल का फूल खिलेगा। जबलपुर जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी ने अपना कब्जा बरकरार रखा है और अब आशा गुटिया निर्विरोध जबलपुर की नई जिला पंचायत अध्यक्ष चुन ली गई हैं। कांग्रेस की तरफ से किसी भी उम्मीदवार का नामांकन नहीं भरा गया था। बता दें कि संतोष बरकड़े के विधायक बनने के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट खाली हुई थी। जबलपुर में जिला पंचायत सदस्य के कुल 17 वार्ड हैं। आशा गुटिया वार्ड 2 से सदस्य हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के बाद आशा गुटिया ने कहा कि सभी के सहयोग से वो अध्यक्ष बनी हैं और अब विकास के राह पर वो आगे लेकर जाएंगे जबलपुर को। श्रीमती आशा मुकेश गोटिया का और उनको विधि मान्य पाया गया नॉमिनेशन, इसका उन्हें निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। जिला उपलब्ध करी हूँ भाजपा पद से, क्योंकि सारे सदस्य मेरे सहयोगी हैं, उनके सहयोग से ही मैं अध्यक्ष बनी हूँ। इधर एक और नोटिस ने मध्य प्रदेश कांग्रेस में खलबली मचा दी है। दरअसल मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 50 से ज्यादा नेताओं को इनकम टैक्स ने समन जारी किया है, जिस पर अब आपत्ति जताई है प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और तमाम जो बीजेपी के नेता हैं, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ही क्यों ना हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बीजेपी पर निशाना साधा। जीतू पटवारी ने कहा कि कांग्रेस नेताओं और विधायकों पर दबाव बनाने की कोशिश इन नोटिस के जरिए की जा रही है। हमारे लोगों को नोटिस भेजकर बीजेपी में शामिल होने के लिए कहा जा रहा है और नहीं होने पर एक्शन होने का, कार्रवाई होने का डर दिखाया जा रहा है। लेकिन उमंग सिंघार ने कहा, जीतू पटवारी ने कहा कि हम डरने वाले नहीं हैं। इनकम टैक्स विभाग इसकी पूछताछ भोपाल के कार्यालय से भी कर सकता है, लेकिन सभी को दिल्ली क्यों बुलाया गया है। इधर सोनिया गांधी को MP से राज्यसभा भेजने पर कहा कि उन्होंने पत्र लिखकर आग्रह किया है
और कई राज्यों में इस तरह के आग्रह किए जाते हैं। लेकिन जो सवाल है नोटिस वाला आईटी की तरफ से, यह बड़ा गंभीर है क्योंकि इसे अब फिर से कांग्रेस मुद्दा बनाने जा रही है चुनाव से पहले। कि आईटी की नोटिस एक सामान्य प्रक्रिया है और 5 साल पुराने नोटिस जब चुनाव के ब्यौरा मांगा जा रहा खर्च का, तो आज 5 साल बाद क्यों चुनाव आ गए? इसलिए तो ये आपसे कहना चाहता हूं कि भाजपा आईटी का दुरुपयोग कर रही है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झाबुआ आए थे, हमने तो उनसे पीएम साहब से नर्मदा अपने क्षेत्र के लिए नर्मदा का पानी मांगा था, आदिवासियों के लिए अधिकार मांगे थे, और उन्होंने शाम आते आते तो आयकर का नोटिस थमा दिया। तो ये साफ दिखता है कि ये डरी हुई सरकार है। जो भी साम दाम दंड भेंट करना चाहते हैं इनके विभागों के माध्यम से, आईटी, ईडी, सीबीआई, ये कर लें, पर हम डरने वाले नहीं और पूरी ताकत से इसका जवाब देंगे। ग्वालियर नगर निगम तंगी से जूझ रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। तो वहीं नगर निगम में हर महीने 76 लाख रुपए से ज्यादा की डीजल चोरी हो रही है। निगम के नेता प्रतिपक्ष हरिपाल सिंह ने इसका खुलासा किया। डीजल स्कैम का खुलासा निगम हड़ताल के दौरान गाड़ियों को नियमित रूप से डीजल देने के रजिस्ट्रारों के जरिए हुआ है और इस मामले को लेकर जांच कमेटी का गठन भी कर दिया गया। ये पूरा मसला क्या है, कैसे खुलासा हुआ, एक रिपोर्ट के जरिए आप देखें। करोड़ों का डीजल चोरी, हर माह 2,19,00,000 से ज्यादा का भुगतान। ग्वालियर नगर निगम में बड़े पैमाने पर डीजल चोरी का खुलासा हुआ है। नगर निगम में 576 वाहन लगे हुए हैं, इसमें इको ग्रीन के 102 वाहन शामिल हैं। वाहनों के लिए प्रतिदिन 7,000 से 7,500 लीटर डीजल जारी होता है। एक महीने में लगभग 2,25,000 लीटर डीजल की खपत होती है। हर दिन 2,500 लीटर से अधिक डीजल चोरी हो जाता है। एक लीटर डीजल की कीमत 108 रुपए है। एक महीने में डीजल के लिए 2,19,00,000 रुपए से अधिक का भुगतान भी होता है। लैंडफिल साइट पर ही हर दिन 140 लीटर डीजल चोरी होने की बात सामने आई है। निगम की हड़ताल के दौरान डीजल की खपत पर यह खुलासा हुआ है। 12 और 13 जनवरी की हड़ताल के दौरान यह खुलासा हुआ है। निगम में डोर टू डोर वाहनों को 7 से 10 लीटर डीजल दिया जाता है, जबकि डंफर, जेसीबी और पानी के टैंकर के लिए सबसे ज्यादा डीजल जारी होता है। 12 तारीख को गाड़ियां डोर टू डोर कलेक्शन, कचरा प्राइवेट ट्रैक्टर, जेसीबी निगम की प्राइवेट जेसीबी, सबको दिया गया। और 13 तारीख को हड़ताल थी, चलो मानते नहीं, मालूम हुई हड़ताल होगी, सब में को डीजल दिया गया। अब हड़ताल हो गई, गाड़ियां निकली नहीं, ठीक। फिर 14 को फिर दे दिया गया उन्हीं गाड़ियों को, सबको। हालांकि आए दिन डीजल चोरी होने की शिकायतें आ रही थी, लेकिन अधिकारी मामले को दबा देते थे। लेकिन अब मामला परिषद में पहुंच गया है, जिसके बाद निगम अध्यक्ष ने इस मामले में 5 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है, जो निगम के डिपो में हो रहे घोटाले की जांच करेगी। हड़ताल के समय भी डीजल जा रहा है तो ये बड़ा घोर सोचने का और निंदा का विषय है। इसके बारे में जांच समिति निर्णय लेगी और जांच समिति के बाद जो भी पटल पे आएगा उसके हिसाब से निर्णय किया जाएगा। आपको बता दें कि 6 महीने पहले सभी वाहनों में GPS लगाने की कवायद की जा रही थी, लेकिन कुछ अधिकारियों की सिफारिश पर इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। ऐसा हुआ तो अधिकारियों की डीजल चोरी होने से होने वाली कमाई बंद हो जाएगी, इसलिए GPS लगाने में अड़ंगे लगाए जा रहे हैं। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। मध्य प्रदेश में आज 3 मारपीट की घटनाएं सामने आई। पहली तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं बैतूल से, जहां पर आदिवासी युवक की पिटाई का जो वीडियो है ये अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बजरंग दल के कुछ युवकों पर मारपीट करने का आरोप लगा है। पीड़ित ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और कांग्रेस विधायक से न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस ने 4 लोगों पर केस भी दर्ज कर लिया है। जबकि दूसरी तस्वीर ग्वालियर से, मासूम से दुष्कर्म की कोशिश करने वाले युवक को लोगों ने जमकर पीटा, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। जबकि जो तीसरी तस्वीर वो भिंड की है, कार में अगवा कर एक युवक को बेरहमी से पिटाई की गई है और नगर पालिका परिसर में बदमाशों ने बेल्ट और डंडों से इसे पीटा है। देहात थाना पुलिस अब पूरे विषय की जांच में जुटी हुई है कि इस युवक को आखिर पीटा क्यों गया। तो मारपीट की 3 तस्वीरें देखिए। तो एक तरफ मारपीट की तस्वीरें, तो एक तरफ मुरैना में रेत माफियाओं ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। दरअसल रेत माफिया चंबल नदी से रेत उत्खनन कर रहे थे अवैध तौर पर और जानकारी मिलने के बाद कार्रवाई के लिए पुलिस पहुंची, लेकिन रेत माफियाओं ने पत्थर से पुलिस पर हमला कर दिया।
पुलिस ने एक ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किया है। घटना अंबा थाना इलाके के रुहूर गांव के पास की बताई जा रही है। इधर मंदसौर के दलोदा इलाके में रविवार को नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के बाद दुष्कर्म के विषय पर अब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 5 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 4 आरोपियों के अवैध अतिक्रमण पर अब बुलडोजर वाली कार्रवाई की गई है। उनके अवैध मकान को जमींदोज किया गया। इस दौरान हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने सभी आरोपियों के अवैध ठिकाने को तोड़ने की मांग की है। 5 युवकों ने मिलकर नाबालिग युवती के साथ छेड़छाड़ की। इनमें से एक आरोपी ने रेप की वारदात को अंजाम दिया था और छेड़छाड़ के बाद आरोपियों ने युवती की पिटाई भी की थी। 5 में जो 2 आरोपी हैं वो नाबालिग हैं, जबकि अरबाज, सुहेल और यश की उम्र भी 19-20 साल की। छेड़छाड़ की घटना के संबंध में थाना दलोदा में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और जो है 376, 363, 66 पॉक्सो एक्ट के तहत जो है अपराध पंजीबद्ध किया गया। आज 3 लोगों का अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। ग्वालियर जिले में भंवरपुरा गैंगरेप के बाद आदिवासी मजदूर दहशत में हैं। खबर यह कि 31 मजदूरों का परिवार गांव छोड़कर पलायन कर चुका है। मजदूर परिवारों का कहना है कि गुंडे मारपीट कर मजदूरी के पैसे तक छीन लेते हैं। इधर पुलिस अधिकारियों ने मजदूरों के पलायन की खबर को सिरे से खारिज कर दिया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वे पीड़ित परिवार से लगातार संपर्क में, सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। कोई गांव छोड़कर गया नहीं है। 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मुख्य आरोपी जंडेल गुर्जर फरार चल रहा है। आरोपी जंडेल गुर्जर, बंटी, संजीव, डकैत ये गुर्जर गैंग के सदस्य रहे। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि अगर पुलिस कह रही है कि कोई पलायन हुआ नहीं है तो इन 3 आरोपियों की गिरफ्तारी क्यों हुई है, कैसे हुई है? पुलिस को इसका जवाब भी देना चाहिए। देखिए, जो विक्टिम परिवार है वो अभी भी ग्वालियर पुलिस के सुरक्षा में है। हर तरीके से विक्टिम परिवार को पूरी सुरक्षा और सहायता दी जा रही है। तो मध्य प्रदेश में क्या हुआ, मध्य प्रदेश के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लेकिन देश और दुनिया के साथ MP और छत्तीसगढ़ के सभी अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।